तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं ये वाला फ़ोटो बनाने वाला हूँ। तो ये है जगन्नाथ, उड़ीसा के जगन्नाथ पुरी के भगवान। तो ये बनाने वाला हूँ, तो ये कृष्ण जी ही है। तो जल्दी से बनाते हैं और मैं इन दोनों पेंसिल की मदद से बनाऊंगा। ये है 0.5 की और ये है 0.7 की। इन दोनों की मदद से मैं बनाऊँगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देख सकते हो गाइस, मैंने आउटलाइन यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। तो आउटलाइन कुछ इस तरीके की दिख रही है। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके की आउटलाइन मैंने कंप्लीट कर ली है। तो इसमें बहुत डिटेल वर्क है, आप देखो कि आगे जाकर कितना डिटेल है इसमें। तो जल्दी से वो डिटेल करते हैं। मुझे इस आर्ट वर्क में बहुत टाइम लगेगा, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्योंकि बहुत डिटेल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज आप सोच रहे होंगे ये कहाँ के भगवान है। तो ये है उड़ीसा के, उड़ीसा तरफ के जगन्नाथ पुरी, इनको बोलते हैं जगन्नाथ पुरी, मतलब वो शहर का नाम है। तो मंदिर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कुछ बहुत बड़ा मंदिर है भाई ये। और इसमें सब कुछ है भाई, आप देखना कभी जाकर, घूमना, घूम के आना, मतलब उधर घूमने जाओ ना तो उधर देख के आना, उड़ीसा तरफ है, बहुत मज़ा आएगा आपको, चले जाना। और बहुत बड़ा मंदिर है, तो YouTube पे आप सर्च भी कर सकते हैं, उसमें बहुत बड़े इतिहास भी हैं और बहुत अनोखे अनोखे चमत्कार भी है भाई उस मंदिर के। तो आप YouTube पे ज़रूर देखना, जगन्नाथ पुरी उड़ीसा करके सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। और अभी हाल ही में इनकी रथ यात्रा भी निकली थी 12 तारीख को, तो वो देखकर ही मुझे याद आया क्यों ना उनका एक फ़ोटो बनाया जाए। तो वो भी बहुत विशाल निकलती है भाई, बहुत भीड़ हो जाती है उधर, अगर आपको उस टीवी पे भी देखने को मिलता, पर मैं ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई है इसलिए मैंने देख लिया है टीवी पर। बहुत मज़ा आता है, बहुत सारी जनता रहती है। तो आप यूट्यूब पर सर्च जरूर कीजिएगा जगन्नाथ पुरी करके। तो चलिए बनाते हैं। Thank you.
तो भाई देख सकते हो आर्ट वर्क कंप्लीट हो चुका है। और भाई इस आर्ट वर्क में मुझे इतना टाइम लगा क्या बताऊँ भाई, 3 से 3.5 घंटे लग गए मेरे को इस आर्ट वर्क में, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो इतनी डिटेल है। मैं आपको देख सकते हो, थोड़ी पास से आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, अब आप देखिए कितना डिटेल है इसमें, बहुत डिटेल है भाई, बहुत मतलब पूरा देख के ऑब्जर्व कर करके बनाना पड़ रहा था। और बिल्कुल धीरे धीरे हल्के हाथों से बहुत डिटेल देख सकते हो आप। तो इसमें मुझे बहुत टाइम लगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।